आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हेलो एल्केन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है हेलो एरीन से। तो सबसे पहले, वैसे तो हमारे पास तीन रीजंस हैं, बट हम यहाँ पे एक ही रीजन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वो रीजन हम हाइब्रिडाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे। अगर आप एल्काइल हेलाइड, जैसे कि मैंने ये क्लोरोमिथेन लिया है और यहाँ पे अराइल हेलाइड लिया है क्लोरोबेंजीन, तो इन दोनों के जो कार्बन्स हैं अल्फा कार्बन्स, उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखें। जैसे ये CH3 हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन लगा दिया। इसी तरह से हेलो एरीन में ये फिनाइल के साथ ये वाला जो क्लोरो लगाया, तो इसके कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा कार्बन की बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड्स, तो SP2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे इस अल्फा कार्बन की 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इन दोनों में एस करेक्टर्स देखें, तो एस करेक्टर हमें ये बताएगा कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अल्फा कार्बन है। तो SP2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है इसमें। तो इन दोनों में से अगर आप देखें, ये वाला SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण ये बॉन्ड सेपरेटिंग इजी होगी, तभी हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है हेलोरीन से।